चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों मोपा प्राउंड के लिए MBBS के लिए अभी 1848 सीट वैकेंट है मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है मोपा प्राउंड के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए तो फाइनली एम ने राउंड वन और राउंड टू के एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट डाल दी है इसको आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है ये फाइनली ज्वाइंट कैंडिडेट अभी आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है अतः स्टेट से सभी स्टेट से इन कैंडिडेट को काउंसलिंग uh, uh, जो प्रोविजनल लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाता है ये ऐसा रूल है सेकेंड राउंड में ज्वाइंट कैंडिडेट को तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है मोपअप राउंड के लिए तो इसमें हम देखते हैं टोटल ऑल इंडिया कोटा और ओपन कोटा ऑल इंडिया कोटा 15% परसेंट और ओपन कोटा जिसके अंदर एम्स जिपमर बीएचयू सभी इंस्टीट्यूट आते हैं उनमें टोटल 302 मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें जो टोटल सीटें थी वो 8705 सीट्स थी यानी कि इनी पर फर्स्ट राउंड कंडक्ट करवाया गया था हालांकि फर्स्ट राउंड में 150 सीट्स कम थी सेकंड राउंड के लिए 150 सीट्स बढ़ गई थी ये तो सेकंड राउंड तक तो टोटल 800 हंड्रेड सॉरी एट सीट्स के लिए इसमें अलॉटमेंट हुआ था इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में टोटल सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेवन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है यानी कि ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट के लिए तीन सौ दो मेडिकल कॉलेजेज में छह हजार आठ सौ सत्तावन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है अभी तक सेकंड राउंड तक जो के लिए वैकेंट सीट है 1848 सीट से अब मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि 302 मेडिकल कॉलेजेस में जो 1848 सीट्स वैकेंट है वो कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की तो नॉर्मल की 3401 सीट्स और पीएस की 170 सेवन सी 76 सीट्स अवेलेबल थी यानी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन सीट्स के लिए अलॉटमेंट हुआ था यू आर कैटेगरी का राउंड टू तक इसमें टोटल ज्वाइंट किया है कैंडिडेट ने टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है तो इसमें आप माइनस निकाल लें कितने कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी की सीट वैकेंट है यानी कि पैंतीस से सताइसौ अगर आप माइनस निकालेंगे तो वो यूआर कैटेगरी की वैकेंट सीट आ जाएंगी इसके बाद इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट्स 861 थी 710 हंड्रेड टेन ने इस पर ज्वाइन किया है तो अभी जो इसमें वैकेंट सीट है वो वन हंड्रेड फिफ्टी वन सीट्स वैकेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की टोटल सीट्स तो टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट थी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है 1,807 सीट पर यानी कि सबसे कम ओबीसी के कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है तो ये इसमें आप माइनस निकाल लें कितने सीट वैकेंट रही हैं ओबीसी की एस कैटेगरी की टोटल सीट seat 1,293 सीट्स थी इनमें से ज्वाइन किया है 1,034 कैंडिडेट ने यानी कि जो वैकेंट सीट रही हैं वो टू हंड्रेड सिक्स फिफ्टी नाइन सीट्स वैकेंट रही हैं एससी कैटेगरी की आप इसमें माइनस कर लें ठीक तरह से एसटी कैटेगरी की बात करें तो सिक्स फोर्टी सिक्स सीट्स अवेलेबल थी इनमें से ज्वाइन किया है फाइव फोर्टी कैंडिडेट ने यानी कि बाकी जो वन हंड्रेड सॉरी वन हंड्रेड सिक्स सीट है एस कैटेगरी में अभी भी वैकेंट है तो ये टोटल सीट एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड जीरो का अलॉटमेंट था सेकेंड राउंड तक उसमें से दोनों राउंड में ज्वाइन किया कैंडिडेट ने सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेवन कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइन किया है और मोपअप राउंड के लिए वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट सीट अभी भी वैकेंट है जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं मोपअप राउंड तक मोपअप राउंड तक इन सीटों में एडमिशन लेंगे क्योंकि ये सीट राउंड के लिए वैकेंट है वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट तो ये तो बात हो गई ओपन कोटा और ऑल इंडिया कोटा की जिसमें एम्स जिपमर बीएचयू सभी शामिल हैं अब हम बात करते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी की तो टोटल 49 डिम्ड यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट्स थी जो टोटल सीट अवेलेबल थी वो 8,787 सीट्स अवेलेबल थी इसमें अब इन सीट्स में इन सीट्स में जो एडमिटेड कैंडिडेट हैं ओपन कैटेगरी के, के वो 6,462 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है यानी कि इसमें 888 सीट अभी भी ओपन कैटेगरी की वैकेंट है एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो टोटल 329 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है अभी तक टोटल इसकी जो सीटें अवेलेबल थी 1251 सीट्स थी 922 सीट्स अभी भी वैकेंट है एनआरआई की जो मोप अप राउंड में कन्वर्ट कर दी जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में इन 922 सीट्स पर अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट एडमिशन लेता है तो ठीक है उसके बाद ये सीटें वैकेंट रहती हैं तो मोपअप राउंड में ही ये मैनेजमेंट कोटा पर मैनेजमेंट फीस पर ये अवेलेबल रहेंगी कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में तो यानी अभी 1810 सीट्स डिम्ड की अभी भी अवेलेबल है और ये तकरीबन आप इनको मैनेजमेंट कोटा की सीट समझो क्योंकि मोपब में जिन एनआरआई ने, ने एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं एनआरआई की सीटें वैकेंट ही रहेंगी तो ये आप मैनेजमेंट की सीट ही समझ सकते हैं वन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन सीट्स तो ये एक कैलकुलेशन था जो मैंने आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन बताया है कि कितनी सीटें वैकेंट है कितनी कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें वैकेंट हैं कितनी पर एडमिशन हुआ था अब हम बात करेंगे कट ऑफ की तो कट ऑफ का मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो पब्लिश कर दिया है उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है और मैं आपको यहां बता दूं कि इसमें ज्यादा से अंतर नहीं रहेगा तीन या चार मार्क्स कट ऑफ डाउन जा सकती है इससे ज्यादा कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें एक रीजन होता है रीजन ये है कि एमसीसी की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो स्टेट के सेकेंड राउंड में जिन्होंने सीट ज्वाइन कर लिया है वो एमसीसी के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते यही एक ड्रॉबैक होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मोपअप में और मोपअप में पार्टिसिपेट करने से उनको सीट अलॉट हो जाती है और सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट अलॉट होने के बाद में कैंडिडेट की मर्जी है उस पर ज्वाइन करे या ना करें वो बाद की बात है लेकिन अलॉट तो हो ही जाती है तो इससे कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यह एक इसका रीजन है तो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में वैकेंट सीट के बारे में बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद